हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइक्स फूड एंड फन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। ये हम सब जानते हैं, एक समय था जब हीरो होंडा ने इंडियन बाइकिंग इंडस्ट्री पे राज किया था। अगर हम बात करें उस समय की तो कार इंडस्ट्री में अगर कोई नाम था वो था मारुति सुजुकी, और बाइक इंडस्ट्री में कोई नाम था तो वो था हीरो होंडा। इनकी काफी बाइक्स काफी सक्सेसफुल हुई, स्पेशली कम्यूटर सेगमेंट्स। 100 सीसी में हीरो की किसी भी बाइक को कोई भी कंपनी की बाइक टक्कर नहीं दे पाई। हीरो होंडा को जिस चीज ने बहुत सक्सेसफुल बनाया था वो था इसके स्पेयर पार्ट्स की हर जगह पे अवेलेबिलिटी और इसका सर्विस नेटवर्क जो काफी अच्छा था। बट ये वो समय था जब हीरो और होंडा एक साथ थे और हीरो होंडा कहलाते थे। बट जैसे ही हीरो और होंडा सेपरेट हुए, होंडा फिर भी अपना सक्सेस ग्राफ मेंटेन करने में कामयाब रहा, लेकिन हीरो अपने उस सक्सेस ग्राफ को कभी मैच नहीं कर पाया जो हीरो होंडा के टाइम हुआ करता था। और होंडा से सेपरेट होने के बाद हीरो ने जो भी बाइक्स निकाली उनमें से काफी बाइक्स अनसक्सेसफुल रही। शायद हीरो मोटोकॉर्प इंडियन बाइकिंग इंडस्ट्री में खुद को कुछ ऐसे समझने लगा था। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट फाइव बाइक्स ऑफ हीरो दैट फेल्ड इन इंडियन मार्केट। ये वो पांच बाइक्स है जिससे हीरो को उम्मीदें तो काफी ज्यादा थी, लेकिन ये उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई और वो सक्सेस स्टोरीज नहीं लिख पाई जिसकी हीरो को उम्मीद थी। द फर्स्ट बाइक इन माई लिस्ट इज हीरो इम्पल्स। ये हीरो की पहली बाइक थी होंडा से अलग होने के बाद। ये बाइक भले ही 150 सीसी के कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में लॉन्च की गई थी, लेकिन ये बाइक कुछ ऐसी थी जो इसे बाकी 150 सेगमेंट के बाइक से बिल्कुल अलग बनाती थी। ये इंडिया की पहली ऑन रोड ऑफ रोड बाइक थी जो मासेस के लिए बनाई गई थी। हीरो ने इस बाइक के साथ 150 सीसी सेगमेंट में एक अलग ही सब सेगमेंट क्रिएट कर दिया था। इस बाइक का टारगेट ऑडियंस यूथ रखा गया था। यह वही यूथ था जो 90s में अजय देवगन की फिल्म्स देखकर बड़ा हुआ था। अगर आप 90s किड हो तो आपको उस समय के अजय देवगन की एंट्री के बारे में पता होगा। जो बाइक ज्यादातर उन फिल्मों में दिखाई जाती थी वो कहीं ना कहीं ऑन रोड ऑफ रोड टाइप की बाइक हुआ करती थी। सो इस तरह के बाइक के लिए उस टाइम के यूथ में एक अलग ही जगह थी। इस बाइक को काफी ऑटो मैगजीन से काफी हद तक अच्छे रिव्यूज मिले थे, लेकिन फिर भी ये बाइक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि काफी लोगों को ऐसे लगा कि भले इस बाइक की फ्रेम सस्पेंशन काफी अच्छे थे, लेकिन जो इस बाइक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो था इसका 150 सीसी इंजन। काफी लोगों को ऐसा लगता था कि हीरो को इस बाइक को एक बड़े इंजन के साथ लॉन्च करना चाहिए था। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, उस टाइम में मैंने यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियो देखे थे जिसमें किसी ने इस बाइक के इंजन को करिश्मा के इंजन के साथ स्वैप किया था और इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी हद तक बहुत बढ़िया थी। बट हाँ, ये मॉडिफिकेशन रोड लीगल नहीं है। इस बाइक के अनसक्सेसफुल होने का दूसरा रीजन था इस बाइक की सीट हाइट। इस बाइक की सीट हाइट थी 835 mm, जो कि एक एवरेज इंडियन के हाइट के हिसाब से कुछ ज्यादा थी। सो लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे इस बाइक को लेकर। कहीं ना कहीं अगर आपके पैर ग्राउंडेड नहीं हो रहे हैं बाइक पे तो आप श्योर नहीं होते हो कि अगर मैं इस बाइक को लू कि नहीं लू। सो उसी रीजन के वजह से काफी लोगों ने इस बाइक को परचेस करना अवॉइड किया। अब जाते हैं इसके थर्ड रीजन पे। इस बाइक के अनसक्सेसफुल होने का तीसरा मेन रीजन था इस बाइक के अनकन्वेंशनल लुक्स। इसके अनकन्वेंशनल लुक जितना इस बाइक को स्पेशल बनाते थे उतना इस बाइक को और भी बनाते थे। एक डेली कम्यूटर जिसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम्यूट करना है, उसके लिए इस बाइक की डिजाइन थोड़ी सी और थी या फिर अनकन्वेंशनल थी, इसलिए इसे ज्यादा लोगों ने परचेस करने में कंसिडर नहीं किया। सो ये तीन ऐसे रीजन थे जिसके वजह से ये बाइक उस तरह से सेल नहीं हो पाई जितनी इससे एक्सपेक्टेशन थी, और एक्सपेक्टेड सेल्स फिगर ना मिलने के कारण हीरो ने इस बाइक के प्रोडक्शन को रोक दिया। इस बाइक की प्रोडक्शन 2016 में रोक दी गई थी। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, काफी सारे बाइक एंथुसियास्ट जिनको ये बाइक काफी पसंद थी, इनफैक्ट मुझे भी, हम सब की रिएक्शन कुछ ऐसी थी। द सेकेंड बाइक इन माई लिस्ट इज हीरो एक्सट्रीम 2014।
ये बाइक हीरो होंडा सीबीजी की फोर्थ इटरेशन थी, या फिर मैं कहूँ ये हीरो होंडा सीबीजी की चौथी पीढ़ी थी। वेल, वो कहते हैं ना, कुछ पीढ़ियां वंश का नामो निशान खत्म कर देती है, ये शायद उन पीढ़ियों में से एक थी। इस बाइक की डिजाइन को देखकर काफी लोगों ने इस बाइक के डिजाइनर्स के बारे में कुछ ऐसा सोचा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये बाइक ऐसे समय पर लॉन्च की गई थी जब लोगों ने डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया था। सैडली इस बाइक के पास ना तो वो लुक्स थे ना ही वो परफॉर्मेंस। जितना वियर इस बाइक का हेडलाइट था उतना ही वियर इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था। इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि हीरो होंडा सीबीसी का एक ढांचा बच गया था और हीरो ने उसपे कुछ पैनल चिपका के एक नई बाइक लॉन्च कर दी। ये बाइक हद से ज्यादा स्लिम थी और काफी वियर थी दिखने में। इस बाइक के डिजाइन को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, इसलिए इस बाइक को काफी लोगों ने अवॉइड ही किया और इस बाइक की सेल्स फिगर बहुत बुरी थी। ये हीरो के मेजर फ्लॉप्स में से एक बाइक रही। Did hero really consider what Indian bike market thinks? It doesn't matter what you think. What? Whoa, I got it. Hero ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और इस बाइक के बुरे सेल्स ग्राफ के कारण इस बाइक को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। मेरे लिस्ट की तीसरी बाइक है हीरो करिश्मा 2015। हीरो करिश्मा 2015 की बात करने से पहले बात करते हैं हीरो होंडा करिश्मा की। ये बाइक इंडिया में 2003 में लॉन्च की गई थी और इस बाइक को देखकर बहुत से स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट की रिएक्शन कुछ ऐसी थी। ये इंडिया की पहली बाइक थी जिसे हम स्पोर्ट्स कैटेगरी में रख सकते थे, क्योंकि उस समय पर ज्यादातर बाइक्स 100 सीसी या तो 125 सीसी की हुआ करती थी। इस बाइक का डिजाइन काफी यूनिक था। इस बाइक का डिजाइन होंडा VFR 800 से इंस्पायर हुआ था। हीरो होंडा करिश्मा ने बहुत सारे यूथ को अट्रैक्ट किया। हीरो होंडा ने करिश्मा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काफी अच्छी डिजाइन की थी। उन्होंने इस बाइक का ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को रखा था। ऋतिक रोशन उस टाइम बॉलीवुड में नए थे और उनका क्रेज बॉलीवुड में काफी हद तक छाया हुआ था। हीरो होंडा करिश्मा एक ऐसी बाइक थी जो यूथ के लिए बनाई थी और इसका ब्रांड एम्बेसिडर एक यूथ आइकन था। ये दोनों चीजें इस बाइक को सक्सेस की तरफ लेके चले गए। लोग कहते हैं कि रोडीज ने करिश्मा को फेमस किया, बट मेरा कहना है कि करिश्मा ने इस शो को फेमस किया। लोगों ने ये शो देखा इस बाइक के कारण और धीरे धीरे इस शो की पब्लिसिटी बढ़ती चली गई। इस बाइक ने काफी साल स्पोर्ट्स कैटेगरी में राज किया था, लेकिन कहते हैं ना कि कॉम्पिटिशन दूर नहीं होता। जैसे ही बजाज ने 220 लॉन्च की, कहीं ना कहीं इस बाइक ने करिश्मा का मार्केट शेयर लेना शुरू कर दिया था। लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि करिश्मा जरूर अब अपनी बाइक में कुछ अपग्रेड करेगी और 220 को एक कड़ी टक्कर मिलेगी। पल्सर 220 को टक्कर देने के लिए हीरो होंडा ने इसी इंजन के साथ करिश्मा ZMR लॉन्च की। इस बाइक में रियर डिस्क ब्रेक था, फ्यूल इंजेक्शन था और ये फुल्ली फेयर्ड बाइक थी। फिर भी कहीं ना कहीं पल्सर 220 यूथ की पहली पसंद बनी थी। सभी हीरो होंडा से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ऐसा अपग्रेड आएगा जो पल्सर 220 को पहले पायदान से दूसरे पायदान पे कर देगा, लेकिन कुछ कारणवश हीरो और होंडा दोनों ही इंडियन बाइक इंडस्ट्री में अलग अलग ब्रांड हो गए थे। जल्दी मार्केट में ये न्यूज आई कि हीरो ने EBR के साथ कोलैबोरेट कर लिया है और करिश्मा का एक नया वर्जन इंडियन मार्केट में आने वाला है। बहुत सारे स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि जो नया डिजाइन था वो EBR 1190 RS से इंस्पायर होने वाला था। सो एक एक्साइटमेंट काफी बिल्डअप हो चुका था, लेकिन जैसे ये बाइक लॉन्च हुई उस एक्साइटमेंट की बहुत बुरी तरह से दुर्दशा हो गई थी। हम सभी की फेवरेट चाहती बाइक जो एक समय पर ऐसी दिखती थी, वो अब कुछ ऐसे दिखने लगी थी। हीरो ने EBR के 1190 RS के डिजाइन को कहीं ना कहीं करिश्मा में इनकॉर्पोरेट करने के लिए ट्राई किया, पर कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। नई करिश्मा काफी हद तक बहुत सारे एंगल से डिस्प्रोपोर्शनेट लगती थी। सो बहुत सारे स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट जिन्होंने बेहद सालों से करिश्मा के एक अपग्रेड के लिए वेट किया था, उनके लिए ये बहुत ही बुरा सपना था। करिश्मा एक ऐसी बाइक थी जिसने रॉयल एनफील्ड को टूरिंग में कॉम्पिटिशन देना शुरू कर दिया था। लोगों को ये बाइक काफी पसंद थी, इसकी बिकनी फेयरिंग, इसके लुक्स काफी नॉस्टैल्जिक थे और जो नया डिजाइन था वो काफी हद तक बुरा था।
काफी लोगों ने इस बाइक के डिजाइन को नापसंद किया। ये उस टाइम पे लॉन्च हुई थी जब सिर्फ पल्सर 220 इसकी कंपटीशन नहीं थी, इसके कंपटीशन में थी यामा R15 जो डिजाइन मामले में इससे काफी बेहतर थी। और इंडियन बाइक एंथुसियास्ट हीरो से काफी नाखुश थे कि उन्होंने उनकी प्यारी करिश्मा का यह बुरा असर किया था। नई करिश्मा वो सक्सेस स्टोरी नहीं दोहरा पाई जो हीरो होंडा करिश्मा ने रची थी। काफी लोगों ने इसे खरीदना प्रिफर नहीं किया। एक ऐसा टाइम भी आया जब हीरो करिश्मा का सेल ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। साल 2019 में हीरो ने एक्सट्रीम का फेयर वर्जन लॉन्च कर दिया था, हीरो एक्सट्रीम 200S, और ये करिश्मा के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन था। और इसके साथ ही 2019 में हीरो ने करिश्मा का प्रोडक्शन रोक दिया। जो बाइक एंथुसियास्ट थे जिनको करिश्मा बहुत पसंद थी, अगर उन्हें वो डिजाइनर मिल जाते जिन्होंने ये बाइक डिजाइन की थी तो उनका रिएक्शन डेफिनेटली ऐसा होता। दोस्तों, इट्स नॉट अ हेट वीडियो फॉर हीरो मोटोकॉर्प। मुझे खुद हीरो की काफी बाइक्स पसंद आई है, जैसे कि हीरो पैशन जो हमेशा से ही बेस्ट लुकिंग 100cc बाइक रहेगी, हीरो होंडा CBZ जो एक काफी मैस्कुलिन डिजाइन थी, हीरो होंडा करिश्मा फर्स्ट जनरेशन हमेशा इंडिया के टॉप 10 प्रोडक्शन बाइक्स में अपनी जगह बनाएगी। बट कहीं ना कहीं डाउन द लाइन हीरो होंडा लॉस्ट इट्स प्लॉट, और आई कैन सी हीरो मोटोकॉर्प लॉस्ट इट्स प्लॉट। वो मार्केट के नीड्स के हिसाब से अपने आप को नहीं अडॉप्ट कर पाए, और यही रीजन था उनकी काफी सारी बाइक्स इंडियन मार्केट में उस तरह से नहीं चल पाई जैसे उनकी बाइक्स चला करती थी। बट नाउ थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर हीरो। हीरो एक्सपल्स 200 इज डूइंग प्रीटी वेल। और अगर हीरो के अपकमिंग बाइक्स की बात की जाए तो एक्सट्रीम 160, अगर हम उसकी डिजाइन की बात करें तो इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डेफिनेटली प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।